मुंबई में शाहरुख खान की फिल्म रईस की ग्रैंड सक्सेस पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था, जिस मौके पर फिल्म की पूरी टीम पहुंची हुई थी। शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सनी लियोनी, राहुल ढोलकिया, रितेश सिद्धवानी। मीडिया से बातचीत के दौरान सुनिए क्या कहना था शाहरुख खान का। यू नो द होल आइडिया वाज कि व्हेन यू डू बिजनेस एटलीस्ट इन दिस फिल्म द आइडिया इज कि वो करो जो धंधे के लिए सही होता है और किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। और आई थिंक जिंदगी में भी ऐसा होता है, फिल्म में भी ऐसा है, एंड इट्स क्वाइट अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल दैट यार। आई मीन इट्स अ स्मॉल थॉट बट आई थिंक इट्स हैज अ वेरी बिग फीलिंग एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शो विद धंधे का धिंगाना। शाहरुख ने इस फिल्म को मिल रहे प्यार के बारे में भी अपने दिल की बात हमसे शेयर की। हर फिल्म का अपना एक बिजनेस होता है, अपनी एक जगह होती है टू स्टार्ट कंपेयरिंग, एंड वी ऑल हैड दोस फिल्म्स, वी हैड फिल्म्स व्हिच आर डिफरेंट एंड नीश। तो हर फिल्म का एक ही मापदंड से मेजर करना अजीब सा लगता है, बट हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स इसका अपना एक लिमिटेड बिजनेस होगा, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी आर लिटिल बियॉन्ड दैट ऑल्सो। हमको जितना लगता था उससे ज़्यादा है, जितना हमारी उम्मीद थी उससे अच्छा है, बेहतर है बिजनेस वाइज, कलेक्शन फिगर्स नॉट विदस्टैंडिंग, बट इट्स नाइस टू नो कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अभी उसको मैं कंपेयर करने लगूँ तो देन यू नो देन स्काई इज द लिमिट, एंड वाई शुड वी कंपेयर विद ओनली द लास्ट बिग हिट लाइक दंगल और सुल्तान विच आर मच मच ह्यूजर हिट्स देन परहैप्स दिस फिल्म कैन एवर बी, एंड वी नो दैट। सो दैट कंपेरिजन फ्रॉम आउटसाइड वेरी गुड, फ्रॉम इनसाइड वी नो द ट्रूथ कि जो इसकी एक लिमिट है वहाँ तक ये जाएगी, और उतना अगर हो गया तो हम बहुत खुश होंगे। वहीं यहाँ मौजूद सनी लियोनी का क्या था कहना सुन लीजिए। Actually, XL called Daniel, my husband, and said we want Sunny to be in film. And मुझे मालूम था कि कुछ अच्छा हो रहा है, because Daniel's face, he had this huge smile, and but I just didn't know what that was. So when he got off the phone, he said Shah Rukh Khan wants you to be in a song in his film. And I said, what? Did they call me? This Sunny? You weren't. Does Shah Rukh know that they've called me to do a song? And you know, I was in disbelief for a very long time. हम आपको बता दें कि रईस के साथ साथ फिल्म काबिल भी रिलीज हुई है। अब देखना ये खास होगा कि काबिल की टीम कब अपना सक्सेस बैश रखती है।